पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारत सरकार के द्वारा जहां आयुष्मान योजना के अंतर्गत देश भर के लोगों को बड़ी राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, वहीं अब भारत सरकार ने एक और योजना के सहारे गरीब लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया है। 5 साल तक के गूंगे बहरे बच्चों के ऑपरेशन के लिए भारत सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें अब गूंगे बहरे बच्चों के लिए ऑपरेशन के लिए सरकार अनुदान देगी। मुरादाबाद के TMU हॉस्पिटल में 5 साल के राघव राजपूत को कॉक्लियर इम्प्लांट करके नया जीवन दान दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक राघव राजपूत जन्म से गूंगा और बहरा था, जिसका कॉक्लियर इम्प्लांट यानी ऑपरेशन करके नया जीवन देने का काम किया गया है। ENT के HOD डॉक्टर पोरवाल चटर्जी, डॉक्टर अक्षय जैन, डॉक्टर मुकेश प्रसाद, एनेस्थीसिया HOD की टीम ने मिलकर राघव राजपूत का कॉक्लियर इम्प्लांट किया है। ENT के HOD डॉक्टर पोरवाल चटर्जी ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा 5 साल तक के गूंगे बहरे बच्चों के लिए ऑपरेशन कराने के लिए अस्पताल का पूरा खर्चा सरकार देगी और उसके परिवार को ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा देगी। भारत सरकार ने TMU को इस योजना के अंतर्गत चुना है और अब मंडल का पहला अस्पताल कॉक्लियर इम्प्लांट करने वाला बन गया है। ये जो ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन का नाम कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी है। ये ऑपरेशन उन्हीं बच्चों में किया जाता है वो जन्म से सुन नहीं पाते और उस वजह से बोलना नहीं पाते हैं। तो इस ऑपरेशन के तहत कान के अंदर एक मशीन डिवाइस लगाई जाती है जिससे बच्चा सुनने लगता है, और ऑपरेशन के बाद बच्चे को कई सालों तक स्पीच थेरेपी दी जाती है, जिसको एक सुनाई की ट्रेनिंग होती है। ये बच्चा सुनने लगता है और फिर बोलना सीखता है। ये ट्रेनिंग कराना ऑपरेशन के बाद बहुत ही ज़रूरी है, वो फिर बच्चा धीरे धीरे बोलने लगता है। स्कीम केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित है, जिसे एडिप स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम में बच्चा यदि 5 साल के कम के हो और माता पिता के मासिक आय कुल मिला के 15,000 से कम हो, तो फिर ऐसे बच्चों को हम स्क्रीनिंग करके उसकी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट में प्रोसेसिंग के लिए भेज सकते हैं। तो वहीं भारत सरकार और TMU अस्पताल के इस प्रयास की चारों ओर सराहना हो रही है, तो वहीं राघव राजपूत के परिजन भी हॉस्पिटल और भारत सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। मेरे बेटे को जब जन्म हुआ था इसका, तो जन्म से ही ये ना तो सुन पाता था ना ही बोल पाता था, तो जिसको मैंने ऋषिकेश एम्स में भी दिखाया था और काफी जगह दिखाया, मतलब मैं काफी परेशान था इस बच्चे को लेकर, और मुझे इसके लिए कॉक्लियर प्लांट ही बताया गया एम्स ऋषिकेश में। तो मैंने जो मैं बुखार के बैठ गया था, थक गया था, क्योंकि इसका जो खर्चा है लगभग 8 लाख के करीब है। फिर मैंने जो कुछ टाइम बाद पता चला कि मुरादाबाद TMU हॉस्पिटल में ये जो इलाज है ये मुफ्त हो रहा है। मैंने इसको TMU हॉस्पिटल लाया और इसको जांच कराई इसकी, तो यहाँ के जो अच्छे डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि आपका इलाज हम लोग फ्री करेंगे और हमारे यहाँ करा लीजिए। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखा और काफ़ी अच्छा उन्होंने इसके साथ व्यवहार करते हुए इसका अभी 25 को इसका ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद अब ये 50% सही है हो गया है। मतलब इसके बाद इसकी स्पीच थेरेपी होगी और उसके बाद ये सही बोलने लगेगा, सही सुनने लगेगा। मैं TMU हॉस्पिटल का, मैनेजमेंट का, सभी डॉक्टर्स का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।